अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद सरहमान और यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है विंडो का जो है ISO फाइल मूव करने में अपनी पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, स्टोरेज इसका जो है वो तकरीबन 14 GB स्टोरेज है इसका, जिसमें से 13.8 GB फ्री है। तो इसमें जैसे ही मैं अपना ISO फाइल विंडो का मूव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर लार्ज फाइल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो कि 5.5 GB तक का फाइल है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे हम। तो आप यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये मिनी टूल पार्टीशन है, तो इसका डेमो वर्जन आपको मिल जाएगा यहाँ पर उस ड्राइव पे आके जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे कि ये FAT32। यहाँ पर ये ड्राइव है मेरी, यहाँ पर आपको राइटल करने पर ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट FAT to NTFS। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, डेमो वर्जन इसका गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप माइग्रेट कर सकते हो HDD से SSD में, और इसके अलावा और काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं मर्ज पार्टीशन मर्ज के, स्प्लिट करने के। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा CMD के थ्रू भी कर सकते हो आप, अगर ये नहीं यूज़ करना तो। यहाँ पर सर्च बार में आके मैं यहाँ पर CMD टाइप करता हूँ और राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। यहाँ पर इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो हेल्प कन्वर्ट पहली कमांड ये टाइप करता हूँ तो यहाँ पर ये बता देगा कि हमने NTFS सिस्टम फाइल में कैसे इसे कन्वर्ट करना है अपनी ड्राइव को। तो यहाँ पर ये की हमने कमांड टाइप करनी है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जो भी मैं अभी टाइप करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो ड्राइव कन्वर्ट करना चाहते हो उसका लेटर आपने चेक कर लेना है ऊपर से, यहाँ पर जैसे कि CDE और यहाँ पर मेरा F है, तो आपने अपना देख के वो टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कन्वर्ट स्पेस F, फिर स्पेस और यहाँ पर स्लैश आ गया, फिर FS, फिर डॉट आ गए और NTFS। ये कमांड है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं इसे इंटर करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपकी फॉर्मेट जो है आपका, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो FAT32 है अभी, तो ये कन्वर्ट हो रहा है NTFS में। तो इसी की वजह से जो है वो लार्ज फाइल जो है वो तकरीबन 3-5 GB से ऊपर तक की फाइल जो है वो पेस्ट नहीं होती पेन ड्राइव में, तो उसका फॉर्मेट जो है वो आपको चेंज करना होता है NTFS में। तो अभी मैं आप दोस्तों को यही विंडो की ISO फाइल इस कन्वर्टेड ड्राइव में जो है वो पेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कन्वर्जन कंप्लीट, तो हमारा ड्राइव कन्वर्ट हो चुका है। अभी एग्ज़िट टाइप करके इसे क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर मैं आप दोस्तों को इसका फाइल सिस्टम वर्जन दिखा देता हूँ। NTFS में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा डाटा जो इसमें था वो भी डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पर वो सेम वही है। तो अभी जो है हम इसमें कॉपी करते हैं विंडो की फाइल, तो यहाँ पर इसका भी साइज़ आपको चेक करवा देता हूँ 5.69 GB, और इससे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी वो एरर नहीं आ रहा और हमारा डाटा जो है वो ड्राइव में कॉपी हो रहा है।